हेलो फ्रेंड्स, आज एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ एयरटेल का जो एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड सर्विस है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने बुकिंग किया था जियो, मैं यूज़ कर रहा था लेकिन जियो के रिप्लेसमेंट के हिसाब से मैंने एयरटेल ब्लैक प्लान चूज़ कर लिया। तो दिखाने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल होने वाला है, तो पूरा डिटेल वीडियो रहेगा, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, वीडियो को एंड तक देखना एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप। उस पी टेस्ट जो है एकदम एंड में आने वाला है, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना। एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एयरटेल को जब मैंने बुकिंग किया था उसके बाद नेक्स्ट वाला दिन में ही वो लोग टेक्नीशियन विजिट हुआ था, ठीक है। वो लोग कॉल करके मुझे आए थे एंड इन लोगों ने ये सब जो वायर आप देख रहे हो ये वायर उनके तरफ से लाया गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा बेसिकली छत पे एक्सेस नहीं था, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था मेरा जो पीछे वाला बालकनी है तो वो वाला यूज़ करो, वहाँ से ही आपको कनेक्शन लगवाना है, बिकॉज मैंने बोला था कि जियो का ऑलरेडी कनेक्शन है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप सिर्फ मुझे दिखा दो तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेटअप कर देंगे। तो उन लोगों ने ये खुद से लगा लिया था जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। तो फर्स्ट क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 2 बजे ये लोग आए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बजे या फिर 2:30 कुछ हो रहा था, ठीक है। तो उन लोगों ने वायर लगा के पहले जैसे वायर लगाया, उसके बाद उन लोग एक नियर बाई जो भी पोस्ट है वहाँ पे गया था, वहाँ पे ये जो वायर आप देख रहे हो ये वाला वहाँ से कनेक्शन करना पड़ता है। तो नीचे जाके ऑलमोस्ट वहाँ पे कनेक्शन करके लगवा के ऑलमोस्ट 1 घंटा कुछ लगा था वहाँ पे सेटअप करने के लिए। नियर बाई जो भी एयरटेल का पोस्ट है वहाँ पे वहाँ से ही कनेक्शन देते ये लोग, ठीक है। तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वायर है ये घर के अंदर ला रहा है, ठीक है, पीछे के बालकनी की तरफ से जैसे मैंने बोला है। तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा, मैंने जस्ट बोला था कि यहाँ पे जो जियो का है उसको ही रिप्लेस करो आप, क्योंकि मैं जियो यूज़ कर रहा था लेकिन अभी क्या है एयरटेल का जो ब्लैक प्लान है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो ब्लैक प्लान के बारे में एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ, क्यों मैंने जियो से ये कन्वर्ट करके एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो इसका जो टेक्नीशियन है, तो इसका जो फाइबर वायर है बेसिकली, तो कुछ इंटरनल प्रोसेस इन लोगों का होता है, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेना। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा इंस्टॉलेशन के लिए लगा था, 1 घंटा नीचे गया था जैसे मैंने बोला था और 1 घंटा यहाँ पे रूम के अंदर इनको लगा था ये सब सेटअप करने के लिए। एक मशीन है आप देख सकते हो, ये वाला जो मशीन है यहाँ पे मशीन यूज़ करता है कि ये लोग बेसिकली आई डोंट नो क्या करता है, थोड़ा सा मैंने भी पूछा था इन लोगों का कि ये क्या करता है। तो इसका स्पीड, ये लोग बेसिकली जो एयरटेल का नियर बाई पोस्ट है वहाँ से स्पीड ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं ये सब चेक कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो मशीन यूज़ कर रहा है, मशीन में ये जो इन लोगों ने वायर को और फाइबर जो है तो इसको कट करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मशीन ये स्टार्ट हो रहा है, मशीन स्टार्ट करके यहाँ पे ये लोग यूज़ कर। तो इसमें थोड़ा सा कुछ हीटिंग वगैरह होता है कि ये स्पीड के लिए ये लोग यूज़ करते हैं ताकि एकदम वो जो फाइबर है एकदम उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसमें कुछ लेयर ना हो, लेयर अगर होगा तो आई थिंक स्पीड कम हो जाता है। तो ये मशीन वो लोग यूज़ करते हैं, मशीन आई डोंट नो ये मशीन का क्या नाम है, लेकिन ये वाला मुझे तो बहुत ही मस्त लगा ये वाला मशीन, ठीक है। बहुत टाइम ये लोग इसके ऊपर ये कर रहे थे, मैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ये लोग कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, इसमें कुछ मीटर रीडिंग वगैरह देख रहे थे, तो बार बार रीडिंग चेक करके, तो रीडिंग अगर ठीक ठाक आता है तो फिर स्पीड ठीक है, नहीं तो वो पोस्ट में कुछ गड़बड़ है या फिर जहाँ से ये कनेक्शन लगा रहा है मेरे रूम पर आ रहा है तो उसमें कुछ पोस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये फ़िलहाल ठीक ठाक था। मुझे जितना याद है एक बार जियो में प्रॉब्लम हुआ था तो वो लोग फिर से गए थे, ये ऐसा जियो का भी ऐसा वाला कुछ मशीन है, तो वो लोग फिर से जाके एक बार चेक किया था। अच्छा, और एक डिफरेंस है, आप जब यहाँ पे देखोगे एयरटेल की तरफ से ये जो एक वाइट कलर का बॉक्स है, तो जियो का क्या होता है डायरेक्ट आके आपका जो राउटर है उसमें कनेक्शन दे देता है, लेकिन एयरटेल का डायरेक्ट नहीं आता, एक मीटर बॉक्स कुछ होता है समथिंग, इसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, तो वो बॉक्स में पहले कनेक्शन आता है, तो वो बॉक्स में से आपको राउटर में कनेक्शन आएगा, तो 2 कनेक्शन यहाँ पे बनता है, तो इसलिए मे भी कुछ स्पीड का डिफरेंस होता होगा। और मैं लास्ट में बोलूँगा स्पीड कितना आ रहा है, ये 40 Mbps वाला एक ब्लैक प्लान है एयरटेल का, ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिया था कुछ 998 वाला ब्लैक प्लान है जहाँ पे
तो ये लोग बहुत अच्छे से, मतलब एकदम क्लीन प्रोसेस था इन लोगों का, मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। हाँ टाइम थोड़ा सा लगा, 1 घंटा ज़्यादा, क्योंकि ये दूसरा, जैसे मैंने बोला जियो का ये वाला जो स्टेप है, ये वाइट वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये वाला बॉक्स इनका मीटर बॉक्स या फिर कुछ भी, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन जियो का वो वाला नहीं था। जियो का डायरेक्ट राउटर से कनेक्शन होता था, जो लास्ट में होने वाला है, तो जो जब राउटर ओपन होगा तब आपको समझ में आएगा ये वाला जो बॉक्स है। लेकिन इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस है इन लोगों का। अभी आप देख सकते हो जियो का जो राउटर है, ये बॉक्स में आपको एक्सट्रीम फाइबर बोल के लिखा होगा हुआ होगा, और इसका जो है वाइट कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वीडियो में मे भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, लेकिन मेरे रूम पे, रूम का जो है उसमें जियो का थोड़ा सा ब्लू है, लेकिन ये वाइट वाला बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ठीक है, जो राउटर है इनका, हाँ तो और एक डिफरेंस है इनका, जियो का क्या होता है, दो बैंड आता है, एक 2.5 GHz वाला और एक 5 GHz वाला, ठीक है। लेकिन एयरटेल का क्या होता है, एक ही राउटर होता है, उसमें दो कुछ कनेक्शन नहीं आता, कनेक्शन एक ही आता है, लेकिन डिपेंड ऑन आप कितना दूर में हो तो उस हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट करता रहता है। कभी कभी आपको 2.5 GHz देता है, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, सो दिस इज़ द डिफरेंस। लेकिन जियो का क्या है, दो अलग से कनेक्शन है, आप दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर 2.5 GHz चाहिए तो आप 2.5 वाला अगर लो, दो बैंड है। और इसका जैसे मैंने बोला, एकदम तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राउटर में लगा दिया, और ये बेसिकली ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए लोग। तो ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा था, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और आके यहाँ पे कनेक्शन करके गया है। और इसका जो स्पीड है, बहुत ही अच्छा स्पीड हो रहा है, और ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मतलब जो भी इनको इनपुट चाहिए था ये लोग आंसर कर रहे थे मैं जो भी पूछ रहा था। और आप देख सकते हो राउटर का कनेक्शन कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपको राउटर में कनेक्शन देता है तो पहले थोड़ा सा कुछ रेड इंडिकेटर आता है, इनको थोड़ा रीसेट होने में टाइम लगता है, लेकिन जब रीसेट हो जाता है तो पूरा ग्रीन में आ जाएगा एकदम लास्ट में आपको दिखे। आप यहाँ पे देख सकते हो जियो का ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस करने के लिए बोला था, तो ये लोग खुद से जाके पूरा लगा के एकदम क्लीन प्रोसेस जो है। जियो का थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम मैंने देखा था, ये इसका जो वायर होता है, ठीक है, इसका वायर डिफरेंट है, जियो और एयरटेल का पूरा डिफरेंट वायर है, इसका थोड़ा सा मोटा वाला लेयर है, लेकिन जियो का थोड़ा सा पतला वाला। देख रहे हो अब जियो का रिप्लेस हो चुका है यहाँ पे, और एकदम स्ट्रेट लाइन में लगा के पूरा एकदम ठीक ठाक सेट करके गया, ताकि बाद में ख़राब ना लगे। और यहाँ पे आप वो लोग कुछ स्कैनिंग करते हैं कि आपका राउटर स्टार्ट होगा, राउटर स्टार्ट से पहले स्कैनिंग करते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसका कनेक्शन स्टार्ट करना है। अभी इंस्टॉल हो चुका है राउटर, और थोड़ा सा टाइम लगता है ये ग्रीन होने में, ठीक है, पहले तो रेड ब्लिंक होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट 30-40 सेकंड में ही वो धीरे धीरे वो ग्रीन से रेड से ग्रीन हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी लास्ट में जैसे मैंने बोला, ये 40 Mbps का स्पीड मैंने ऑप्ट किया था, और यहाँ पे आप मैंने एक बार पूछा भी था उनसे कितना आएगा, 40 के नीचे आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि 40 के नीचे आता है, जैसे जियो का क्या होता है 30 Mbps वाला जो प्लान है, तो उसमें 30 नहीं आता, हमेशा कुछ 25-26 के आसपास कुछ रहता है, मेरा ये जो एरिया है हैदराबाद में मैं हूँ। लेकिन एयरटेल का क्या हुआ, ये 40 आप देख सकते हो, मैंने 40 Mbps का प्लान लिया था, लेकिन यहाँ पे 45 Mbps स्पीड आ रहा है। तो एयरटेल का क्या होता है, ये मेजर डिफरेंस है, जो भी आप प्लान लेते हो ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ये लोग स्पीड देते हैं, नॉट के उससे कम होता है। तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 40 Mbps दोगे तो 45 Mbps, मतलब 40 के ऊपर ही रहेगा, 40 के कम नहीं रहता। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मैंने कोशिश किया पूरा डिटेल में आपको समझाने के लिए कि एयरटेल इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।